तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू दिस प्लेस गेमर्स। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं अनलिमिटेड बोन मील फार्म, जो कि माइनक्राफ्ट के सारे वर्जन में वर्क करने वाला है। मतलब कि माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन, बेडरॉक एडिशन और जावा एडिशन में 100% वर्क करेगा और ये बहुत ही ईजी होने वाला है और इसकी एफिशिएंसी भी बहुत ही ज्यादा होने वाली है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आज का लाइक होने वाला है 110 लाइक्स का, तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दो और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, क्योंकि यहाँ पे मैं फार्म से जुड़े हुए बहुत तगड़े कंटेंट्स लाता रहता हूं। तो इस फार्म को बनाने के लिए आप लोगों को यहाँ पर लेनी है 2 चेस्ट, 6 हॉपर, 3 कंपोस्टर, 6 ग्लास पेन, 6 सैंड, 2 रेस्टोन रिपीटर, 3 रेस्टोन टॉर्च, 11 रेस्टोन, 2 लीवर, 1 वाटर बकेट, 3 स्टिकी पिस्टन, 3 पिस्टन, 3 साइन बोर्ड्स, 3 कैल्प, 6 लेडर्स, 3 ट्रैपडोर्स, 3 स्लैब एंड 1 स्टैक पूरा स्मूथ स्टोन ले लेना है। आप लोग चाहो तो यहाँ पे किसी और टाइप के स्टोन भी यूज कर सकते हो। तो इस फार्म को बनाने के लिए आप लोगों को सबसे पहले स्मूथ स्टोन ले लेना है और यहाँ पर 2 स्मूथ स्टोन को ऐसे लगा देना है, उसके बाद 1 इधर लगाना है और 1 इधर लगा देना है, उसके सेंटर का जो ब्लॉक है उसको तोड़ देना है। अब आपको इधर आ जाना है और रेस्टोन टॉर्च को नीचे प्लेस करना है, उसके अलावा लीवर को यहाँ पे ऊपर प्लेस कर देना है और अब हमें रेस्टोन रिपीटर ले लेना है और रेस्टोन रिपीटर को ऐसे रखना है जिसकी वजह से उसका फेस उस तरफ रहे। एंड यहाँ पर रेस्टोन लगाते ही भाई हमारे जो रेस्टोन क्लॉक है वो यहाँ पे वर्क करने लगी है। अब हमें सिंपली से यहाँ पे जो हमारा लीवर इसको ऑफ कर देना है। अब इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे 3 ब्लॉक्स को इधर प्लेस करना है, उसके अलावा 3 ब्लॉक्स को इधर प्लेस करना है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे स्टिकी पिस्टन को ले लेना है और यहाँ पे हमें 3 स्टिकी पिस्टन को ऐसे लगा देना है। अब इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर पीछे की और आ जाना है और यहाँ पे हमारे 3 ब्लॉक्स को लगा देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे रेस्टोन ले लेना है और यहाँ पे 4 रेस्टोन इसके पीछे लगा देने के, जिसकी वजह से सारे के सारे पिस्टन यहाँ पे वर्क करने लगेंगे। अब हमें यहाँ पर आगे की और आ जाना है और हमें यहाँ पे सैंड ले लेनी है और जो हमारे स्टिकी पिस्टन है उनके एग्जैक्टली आगे यहाँ पे हमें सैंड को लगा देना है। उसको लग जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पे बैठ जाना है और जो हमारे स्टिकी पिस्टन है उसके एग्जैक्टली यहाँ पे ऊपर आपको सैंड को लगा देना है। ध्यान रखना है कि सैंड यहाँ पे नीचे ना लगे, यहाँ पे ऊपर ही आपको एग्जैक्टली लगा देना है। अब आपको यहाँ पर स्मूथ स्टोन ले लेना है और यहाँ पे हमें 4 ब्लॉक्स को यहाँ पर प्लेस कर देना है, उसके अलावा 3 ब्लॉक्स को हमें यहाँ पर प्लेस करना है। अब पीछे की ओर आ जाना है और यहाँ पे 2 ब्लॉक्स को ऐसे प्लेस करना है और उसके अलावा 3 ब्लॉक्स को यहाँ पे ऐसे रख देना है। अब हमें 4 ब्लॉक्स को इसके एग्जैक्टली पीछे की ओर लगा देना है और जो हमारा लास्ट वाला ब्लॉक है उसको एग्जैक्टली इधर लगाना है। इसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारी सैंड होगी यहाँ पे चारों तरफ से कवर अप हो जाएगी और इस पे जो हमारी केल्प होगी पर सेकेंड ग्रो हो पाएगी। तो दोस्तों, अब इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे ब्लॉक्स ले लेने और 3 ब्लॉक्स को यहाँ पर प्लेस करना है। उसके बाद आप लोगों को 3 पिस्टन को इसके ऊपर प्लेस कर देना है, पिस्टन का फेस आगे की ओर रहना चाहिए। अब आप लोगों को यहाँ पे नॉर्मली ब्लॉक्स ले लेने और 3 ब्लॉक्स को यहाँ पर लगा देना है और उसके बाद बाकी के 3 ब्लॉक्स को इधर और दूसरे 3 ब्लॉक्स को इधर लगा देना है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे साइड में आ जाना है और इधर आपको यहाँ पे 3 ब्लॉक्स लगा देने, उसकी दूसरी लेयर बनानी है और तीसरी लेयर भी बना देनी है। अब वही चीज आपको सेम दूसरी साइड भी कर देनी है, तो यहाँ पर भी हम सेम वही चीज कर देते हैं। अब ब्लॉक्स लग जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पर स्लैब्स ले लेने और उन स्लैब्स को यहाँ पे लगाना स्टार्ट कर देना है। आपको 3 स्लैब यहाँ पर लगा देने, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर ट्रैपडोर लेना है और स्लैब्स के एग्जैक्टली आगे आप लोगों को यहाँ पर लगा देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नॉर्मली ब्लॉक्स ले लेने और जो हमारे ट्रैपडोर्स लगाए उनके आगे आपको यहाँ पे 3 ब्लॉक्स को लगा देना है। अब आप लोगों को यहाँ पर नीचे आ जाना है और नीचे आके आपको यहाँ पे चेस्ट ले लेनी है और 2 चेस्ट को यहाँ पर प्लेस करना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे पीछे आना है और यहाँ पे बैठ जाना है और बैठ के जो हमारे हॉपर है उनको यहाँ पे चेस्ट से कनेक्ट कर देना है। यहाँ पे हमें 3 हॉपर को ऐसे लगा देना है जैसे मैंने सेम लगाया, सेम टू सेम आपको भी वैसे ही लगाने हैं। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे कंपोस्टर लेना है और बैठकर हमारे जो हॉपर है उनके ऊपर कंपोस्टर लगा देना है। अब इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर ऊपर आ जाना है और बैठकर जो हमारे कंपोस्टर है उनके ऊपर आपको हॉपर्स को लगा देना है। लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि जो हमारे हॉपर्स वो हमारे कंपोस्टर से एग्जैक्टली कनेक्ट होने चाहिए कि जिसकी वजह से जितना भी केल्प है वो सारा का सारा कंपोस्टर में कलेक्ट हो सके। अब इतना हो जाने के बाद आप लोगों को ग्लास पेन को ले लेना है और यहाँ पे नीचे 3 ग्लास पेन को लगा देना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे ऊपर दूसरे 3 ग्लास पेन को लगा देना है। इसकी वजह से जो भी हमारा केल्प आएगा वो यहाँ पे बाहर नहीं गिरेगा और वहां पर ही अटक जाएगा और हॉपर में चले जाएगा। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे ऊपर आ जाना है और हमारे जो वाटर बकेट है उससे जो हमारे स्लैब्स है उसके ऊपर पानी डाल देना है। यहाँ पे 3 स्लैब्स पे पानी डाल देते हैं तो यहाँ पे आप लोग नीचे देख सकते हो कि जो हमारा वाटर यहाँ पे दिख रहा होगा लेकिन शेडर्स की वजह से आप लोगों को कम दिखाई दे रहा होगा। तो चलो यहाँ पे ऊपर आ जाते हैं। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे जो हमारे ट्रैप डोर से इनको ओपन कर लेना है और यहाँ पे बैठकर जो हमारा केल्प है उनको सैंड के ऊपर लगा देना है। नाउ अब आपको यहाँ पे साइन बोर्ड ले लेने और साइन बोर्ड लेके आपको इस तरफ को आ जाना है। लेकिन आप यहाँ पे एक बात का खास ख्याल रखना, जो हमारे साइन बोर्ड होंगे वो ऊपर वाला जो हमारा ग्लास पेन होगा उसके ऊपर लगने चाहिए। तो आप लोग यहाँ पे आराम से लगाना, लेकिन जो हमारा ऊपर वाला ग्लास पेन है उसके ऊपर लगाना। अगर आपने नीचे लगाया तो कुछ भी फायदा नहीं होगा, तो यहाँ पे ऊपर लगाना, थोड़ा ध्यान से लगाना। अब मैं आपको यहाँ पे आगे जाके भी दिखा देता हूँ जिसकी वजह से आप लोगों को आइडिया आ जाए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो
हमारा ऊपर वाले ग्लास पेन है उधर ये सारे के सारे जो हमारे साइन बोर्ड है वो लग चुके हैं। अब आप लोगों को यहाँ पे ब्लॉक्स ले लेने और यहाँ पे साइड में आ जाना है। अब आप लोग ध्यान रखना, यहाँ पर आपको एक ब्लॉक लगाना है, एक ब्लॉक यहाँ पर लगाना है, एक इधर लगाना है और एक यहाँ पे नीचे की ओर लगाना है। सारे के सारे ब्लॉक सही से प्लेस करना। अब आप लोगों को यहाँ पे लीवर लेना है और लीवर को इधर लगा देना है। उसके बाद आप लोगों को रेडस्टोन टॉर्च लेनी है और नीचे वाले ब्लॉक्स पे लगा देनी है। उसके अलावा रेडस्टोन रिपीटर लेके आपको इधर लगाना है एंड उसको यहाँ पे दो टिक पे सेट कर देना है कि जिसकी वजह से जो हमारे पिस्टन हुआ यहाँ पे स्लोली स्लोली वर्क करे। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे रेडस्टोन को लगा देना है, इसकी वजह से जो हमारी रेडस्टोन क्लॉक होगी वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। अब आप लोगों को जो यहाँ पे लीवर है उसको ऑफ कर देना है और यहाँ पे पीछे की ओर आप लोगों को आ जाना है एंड आपको यहाँ पे ब्लॉक्स ले लेने और यहाँ पे दो ब्लॉक्स को आपको यहाँ पर प्लेस कर देना है। उसके बाद एक ब्लॉक को यहाँ पर प्लेस करना है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे रेडस्टोन को ले लेना है और उस रेडस्टोन को यहाँ पे लगा देना है। उसके बाद रेडस्टोन टॉर्च को लेना है और यहाँ पे लगा देना है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो हमारी रेडस्टोन टॉर्च होगी यहाँ पे बंद हो जाएगी। तो यहाँ पे ये बंद होना थोड़ा ज्यादा जरूरी है, तो ये आप लोग ध्यान रखना कि बंद हो जाए मतलब आपका सिस्टम सही से वर्क कर रहा है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे पीछे ब्लॉक्स को लगा देना है और अब आप लोगों को रेस्टोन ले लेना है और जो हमारी रेस्टोन क्लॉक है उसको हमारे पिस्टन से कनेक्ट कर देना है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो कि यहाँ पे हमारा जो रेस्टोन का पूरा सिस्टम था वो यहाँ पे रेडी हो चुका है और अब हमारा सिर्फ एक लास्ट स्टेप बाकी है। अब आप लोगों को यहाँ पे लेडर्स ले लेनी है और उन लेडर्स को यहाँ पे लगाना स्टार्ट कर देना है। इसको लगाने का रीजन यहाँ पे ये कि अक्सर यहाँ पे ऐसा होता है कि केल्प टूट जाता है या तो फिर केल्प ग्रो नहीं करता, तो उस टाइम पे आपको इधर आना है, यहाँ पे ऊपर आना है और जो हमारे ट्रैप डोर से इनको ओपन करना है और जो हमारे यहाँ पे केल्प लगा हुआ उसको तोड़ना है और फिर से आपको यहाँ पे केल्प को प्लेस कर देना है कि जिसकी वजह से वो सही से वर्क कर सके। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर हमारा पूरा फार्म रेडी हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये फार्म कैसे वर्क करेगा। जब हम यहाँ पे नीचे वाला जो हमारा लीवर इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पे पर सेकंड केल्प ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद इसको यहाँ पे ऑन करते ही यहाँ पे जो हमारे पिस्टन है वो इसको कट करने लगेंगे और सारा का सारा केल्प यहाँ पे होपर में जमा होते हुए कंपोस्टर में आएगा। जब वो कंपोस्टर में जमा हो जाएगा तो उधर वो बोनमिल में कन्वर्ट होकर हमारी चेस्ट में आ जाएगा। अब मैं आप लोगों को करके भी दिखाता हूँ कि ये कैसे वर्क करेगा। तो इसको वर्क कराने के लिए सबसे पहले तो हमारा जो नीचे वाला लीवर है इसको हम यहाँ पे ऑन कर देंगे और उसके बाद ये ऊपर वाला जो लीवर है उसको भी यहाँ पे ऑन कर देंगे। इससे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारा केल्प है वो पर सेकंड ग्रो भी हो रहा है और कट भी हो रहा है और सारा का सारा जो केल्प है वो यहाँ पे होपर से होते हुए कंपोस्टर में जा रहा है और यहाँ पे कंपोस्टर में वो पूरा का पूरा भर रहा है। जब वो पूरा यहाँ पे भरेगा तो यहाँ पे एक बोन मिल बनेगा। तो ऐसे ही यहाँ पे मतलब ये प्रोसेस चलती रहेगी और जितना भी हमारा केल्प होगा यहाँ पे बोन मिल में कन्वर्ट होता रहेगा। तो आप लोगों के सामने यहाँ पे प्रूफ है कि जो हमारा बोन मिल है वो यहाँ पे बढ़ रहा है। इसका मतलब ये कि 100% वर्किंग भी है और ये बहुत अच्छी एफिशिएंसी के साथ वर्क भी करने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने इसका प्रूफ भी दिखा दिया है कि 100% वर्किंग है। अब कमेंट्स में जाके ये मत बोलना कि भाई नॉट वर्किंग। भाई ये वर्किंग होता है लेकिन आप लोग यहाँ पे कोई ना कोई गलती करते हो, इसकी वजह से ये सही से वर्क नहीं करता। तो आप लोगों को अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ कि आप लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रही है। मैं ट्राई करूंगा कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है मैं उसको यहाँ पे सॉल्व कर सकूं। उसके अलावा आप लोग नॉर्मल कमेंट भी कर सकते हो और एक प्यारी सी कमेंट भी कर सकते हो। तो जाओ यार जल्दी से कमेंट कर दो। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से जाओ और इस वीडियो को लाइक कर दो। 110K लाइक्स का गोल है तो जाओ यार जल्दी से उसको पूरा करा दो। उसके अलावा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, वहां पे भाई हमारा ऑफिशियल पेज बन चुका है। उसके अलावा भाई डिस्कॉर्ड को भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे मैं माइनक्राफ्ट के लेटेस्ट वर्जन की और उसके अलावा टेक्सचर पैक और शेडर्स की भी लिंक देता रहता हूं। एंड हां, उसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक हंगामा एसएमपी का लेटेस्ट एपिसोड नहीं देखा तो यार क्या कर रहे हो, जाओ देखो। हंगामा एसएमपी में वॉर छिड़ चुकी है और आपका भाई भी यार वॉर के लिए पूरा तैयार है। राइट साइड में प्लेलिस्ट आई रही होगी तो जाओ यार उसको क्लिक करो और देख लो। एंड अगर आयरन पंप की वीडियो देखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक कर लो।